सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे ब्लू कंपनी की तरफ से आने वाला एक माइक, जो कि है ब्लू स्नोबॉल आइस। दोस्तों, इस माइक को मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ऑडेसिटी हो गया वॉइस ओवर के लिए, एंड स्काइप हो गया वीडियो कॉलिंग के लिए, और डिस्कॉर्ड पे कम्युनिकेट करने के लिए गेमिंग के टाइम पे। तो मुझे ये कैसा लगा उसका मैं रिव्यू दूंगा आपको बाद में, बट उसके पहले हम इसको करते हैं अनबॉक्स। सो सबसे पहले इसके बॉक्स की बात की जाए तो हमें लेफ़्ट साइड कॉर्नर में कंपनी की ब्रांडिंग दिखती है ब्लू, एंड उसके राइट साइड में इनबॉक्स माइक जो है हमारा उसका एक फ़ोटो, एंड उसी के साइड में माइक का जो नाम है वो स्नोबॉल आइस। फिर उसके नीचे स्काइप एंड डिस्कॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन देखने मिलता है। बॉक्स के राइट साइड में 3 पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला है कि इसमें एक कंडेंसर कैप्सूल यूज़ की गई है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका जो इंटरफेस है वो USB इंटरफेस है। एंड थर्ड कि ये एडजस्टेबल माइक है, इसका जो हेड है हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बॉक्स के बैक साइड में भी सेम पॉइंट्स रिपीट हो चुके हैं। साइड में इसका रेट है जो कि 5995 है, बट अमेजोन पे ये कम प्राइस में मिलता है, एंड कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है। तो अब फटाफट करते हैं हम इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि इसमें माइक के साथ और क्या क्या मिला है हमको। बॉक्स ओपन करने के बाद बॉक्स देखने मिलता है फुल पैकिंग के साथ, इसको हम बाद में देखेंगे, और बॉक्स में देखते हैं क्या क्या मिला है। तो इसमें एक और बॉक्स है, तो इस बॉक्स को रख देते हैं हम साइड में, एंड ये छोटे बॉक्स को पहले ओपन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मिलता है एक USB केबल, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो एक एंड है वो हमारे PC या लैपटॉप को कनेक्ट होगा, एंड अदर एंड माइक को कनेक्ट होगा माइक के बैक साइड में। और इसमें मिलता है एक ट्राई स्टैंड माइक के लिए। इसके साथ में मिलती है हमको एक यूज़र मैनुअल, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। सो अगर से आपको कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो चलिए इसको भी हम रख देते हैं साइड में। अब आते हैं हम हमारे माइक की तरफ। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में प्लास्टिक पैकेज के अंदर देखने मिलता है। तो इसे निकालते हैं हम बाहर। बहुत सुना है इस माइक के बारे में, वॉइस ओवर अच्छा होता है इसमें, कार्डियोइड माइक है इस वजह से। सो ये रहा फ्रेंड्स हमारा माइक स्नोबॉल आइस। जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही ये दिखता भी है, एक बॉल की तरह। इसके वेट की बात की जाए तो ये 460 ग्राम्स का है। इसका जो माउंटिंग होल है जिसमें हम ट्राई स्टैंड अटैच करेंगे, वहाँ एक सिलिका जेल की पाउच मिलती है। तो अब तक यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिली है माइक के लिए। तो अब सबसे पहले करते हैं हम इसके स्टैंड को पैकेट से रिमूव, और करते हैं फटाफट से इसको माउंट। इसके जो लेग्स है वो कंप्लीट 45 डिग्रीज पर ओपन होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, बेहतर स्टेबिलिटी के लिए। और इसके लेग्स के जो टो है वहाँ पे हमको एक रबर ग्रिप देखने को मिलती है। आप इसे किसी भी सरफेस पर रख सकते हो, ये उस पर से फिसलेगा नहीं। माउंट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसके सामने के साइड हमको कंपनी की तरफ से ब्रांडिंग दिखती है ब्लू की, एंड ऊपर के साइड एक पावर इंडिकेटर है। ये जब भी ऑन होगा तो इसका जो लाइट है वो रेड कलर का वो ब्लिंक होगा, एंड जब ये ऑफ हो जाएगा तो फिर लाइट ब्लिंक नहीं होगा। इसके बैक साइड में एक USB पोर्ट है जो कि हमारे PC या लैपटॉप को जाके कनेक्ट होगा। तो अब करते हैं इसको हमारे लैपटॉप से कनेक्ट, एंड आगे का जो भी वॉइस ओवर है वो हम इस माइक से करेंगे। सो गाइस, अब जो आप वॉइस सुन रहे हो वो स्नोबॉल आइस से रिकॉर्ड की गई है विदाउट एनी एडिटिंग। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हो अपने कम्फर्ट के हिसाब से। मैंने इसे एक हफ्ता पर्सनली यूज़ किया है, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपका बजट 5000 है तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट माइक है बिगिनर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए। इनफैक्ट काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स भी अभी भी यही माइक यूज़ कर रहे हैं, बट मैं इसे 10 में से 7 नंबर दूंगा, बिकॉज मैं 5000 के हिसाब से इसमें मेटलिक बॉडी भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर ये कुछ हाइट पे से नीचे गिरा तो ये प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से क्रैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में वॉइस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड जिसकी वजह से इसका पूरा शो ख़राब हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो पोला पैटर्न है वो कार्डियोइड है, जिसका मतलब ये है कि ये वॉइस ओवर के लिए बहुत अच्छा है, स्काइप पे वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है, और डिस्कॉर्ड पे कम्युनिकेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी एक और प्लस पॉइंट की बात की जाए तो ये प्लग एंड प्ले पैटर्न का है, मतलब जस्ट आपको इसे अपने PC या लैपटॉप में प्लग करना है एंड ये रेडी फॉर यूज़ हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।